तो अभी ये ड्रम लेके जाना है वहाँ पर, वहाँ पर पानी भरेंगे क्योंकि दवाई छिड़काव करनी है, इसलिए इसमें भर देंगे। यहाँ से डायरेक्ट इसमें से पानी निकाल कर वो बाइक में डालते जाएंगे। यहाँ पर ड्रम रख दिया है, ये वो डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्शन है। अभी वो वाले गांव के पास वाले खेत में जो है दवाई छिड़काव कर रहे हैं बाइक से, तो अभी पापा को कॉल करेंगे तो ये ड्रम भर देंगे। वहाँ से पानी आता है वो तो आपको पता है। खोली क्यों खेला? तो यहाँ से ये जो सपोर्ट है ना वो निकाल रहे हैं, क्योंकि इतना प्रेशर होता है तो ये बोल्ट वाला सपोर्ट जो है वो रखना होता है। फिर ये जो पाइपलाइन है ये आगे वाले सभी खेतों में निकलती है और ये पाइपलाइन डायरेक्ट घर पर जाती है। बाकी हमें तो यहाँ पर ये भरना है ड्रम। अभी भर गया है ड्रम, यहाँ से डायरेक्ट जो इसमें खेत में पूरे में लग जाएगा। फिर वो वाला खेत घर से पानी आएगा, फिर उस तरफ के खेत में वो भी कुएं से पानी निकलेगा। तो अभी बस दोपहर के बाद सभी खेतों में दवाई जो है वो छिड़काव हो जाएगी, क्योंकि बाइक से ही छिड़काव करेंगे। वो मैं आएगी तब आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मैं और दीपक निकले हैं ये सब जो सामान है वो लेके। वो खेत तो कंप्लीट हो ही गया, अब यहाँ पर आ गए हैं। जल्दी काम होगा, ये बाइक है ना, क्योंकि जुगाड़ू तो है ही हम इंडिया वाले, इसलिए कुछ कमी तो होती नहीं है काम में। ये जुगाड़ी है ऐसे जो बाइक पे स्प्रे करने का, वैसे ट्रैक्टर पे भी होता है। तो अभी तो हम निकले हैं, चले जाकर दिखाता हूँ। यहाँ से वहाँ तक तो हमें वैसे हाथ से ही पानी ले जाना होगा, क्योंकि बाइक यहाँ पर नहीं आएगी। अभी बस जो ये सब कनेक्शन थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। पानी डालना होगा, दवाई भी डालनी होगी। तो ये वीरम भाई है और टाइगर भी साथ साथ में मस्ती कर रहे हैं। वीरम भाई की ये बाइक है, हमारे पास भी ऐसी थी लेकिन हमने इस साल रेडी नहीं किया है। हमारे पास सब कनेक्शन तो है ही सब ये, और ये पूरी छः लाइन कवर करता है मूँगफली की। देखो कितना काम स्पीड में होता है, इतना खेत तो कंप्लीट हो गया। तो इसमें झड़प होता है, कोई इतनी मेहनत नहीं लगती। और नाम अपने एक पंप से अगर आदमी से दवाई छिड़काव करते तो कितने दिन लग जाते, ये सिर्फ दोपहर के बाद में पूरे जो खेत है वो तैयार कर लेगा। से ऐसे ऐसे टंकी लगाते थे वो पंप आए, फिर अभी बैटरी वाले पंप आए जो एक स्विच के ऊपर से चालू हो जाते थे। अभी ये बाइक से जुगाड़ किए हैं हमने तो ये चला है। अभी तो वैसे कंपनी फिटिंग ही ये सब स्प्रे करने का आता है, वो एक नया है। अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ती जा रही है। और ये बाइक है स्प्लेंडर, हीरो होंडा स्प्लेंडर, नहीं स्प्लेंडर नहीं है, वो सीडी डिलक्स जैसी आती है ना वो है, उसमें पंप फिट किया है आगे। ये जो होता है यहाँ पर कनेक्शन पूरा, वो दो ड्रम होते हैं जिसमें पानी भरते हैं। छिड़काव करते करते ये वाले खेत में पहुँच गए हैं, ये भी आधा कंप्लीट हो चुका है। फिर तीन खेत बचेंगे हमारे, वो भी अभी ख़त्म हो जाएंगे। ये वाला भी कंप्लीट है करके, सभी खेत कंप्लीट है, गांव के पास वाला कंप्लीट हो गया।
ये स्पीड होती है ये वाली बाइक में, इसलिए मेरे भाई की जो बाइक है वो ले आए थे, तो सब कंप्लीट जो है जल्दी हो जाएगा। पानी यहाँ दूसरे भाई के खेत से ले रहे हैं, क्योंकि फिर दुआ है कुआ है ना वो दूर पड़ जाता है। अभी चल रहा है ट्रैक्टर, ओ भैया वो वाले खेत में साथी चला के आ रहा है, अभी पापा चलाते होंगे और मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। ये छोटा सा खेत है, अभी ख़त्म हो जाएगा, फिर वो मंदिर वाले में जाना है। अभी वहाँ पे वो घास भी काट रहे हैं, और क्योंकि खेत में भी दिक्कत ना करे बीच में, क्योंकि साथी चलाना है और बाकी बसों का चारा भी हो जाए। यहाँ पे सभी बॉर्डर जो है ना वो धीरे धीरे साफ करनी होगी, फिर वापस बारिश होगी तो वापस हो जाएगी, ये काम तो वैसे चालू ही रहेगा। अभी निकले हैं हम चाय देने के लिए, ट्रैक्टर भी चल रहा है, बाइक लेके नहीं जा पाएंगे क्योंकि बारिश हुई थी तो बाइक नहीं चल पाती, चल के जाएंगे कोई बात नहीं। और सब छोड़ो, खैर आज है दीपक का बर्थडे, तो सुबह से वैसे आनंद में है, और हम जो है बर्थडे सेलिब्रेट करते नहीं हैं, करते हैं लेकिन सिर्फ घर में, कोई केक बेक कटिंग हमारा नहीं होता, घर पे कोई स्पेशल वानगी जो है वो बना लेते हैं। और बाकी एक जो नया ट्रेंड है सिर्फ हमारे गांव में हो रहा है, अभी मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। हमारे गांव में जिनका भी बर्थडे हो ना, छोटे हो या बड़े हो, कोई पुण्यतिथि होती है कोई भी, तो हमारे गांव में एक गौशाला है, गांव की गौशाला तो सबके गांव में होती है, लेकिन हमारे गांव में जो है जिसका भी बर्थडे होता है, जिसके भी पुण्यतिथि होती है, तो वो गौशाला में पैसे जमा करवाते हैं, जितनी भी जिनकी भी जितनी कैपेसिटी हो वो हिसाब से पैसे जमा कराते हैं। तो हमने भी दीपक के बर्थडे पर पैसे जमा किए हैं, मेरा आएगा तब वापस करेंगे, भाई का आएगा तब वापस करेंगे, ऐसे चलता रहेगा, जो एक अच्छी बात है। ये केक कटिंग करने से तो अच्छा ही है, क्योंकि उसमें फूड जो है वेस्ट होता है, और गायों में पैसे जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, इसलिए गौशाला में जो है वो हम देते हैं। और सब कमेंट करते हैं कि दीपक व्लॉग में क्यों नहीं आता, तो आज व्लॉग में ले ही लिया, तो बर्थडे विश करना दीपक का, तो थोड़ा सा दीपक को भी जो है अच्छा लगे। हमने तो सुबह में ही बर्थडे विश जो है कर दिया, लेकिन अभी थोड़ा सा शर्मा रहा है, क्योंकि मेरा भी पहली बार जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब मेरा भी ऐसा ही हाल था, मैं भी थोड़ा सा क्या है वो हो रहा था, शर्म आ रही थी, लेकिन अभी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर टिटरी के बच्चे थे जो कल आपने देखा, तो यहाँ पर बहुत अच्छी जगह पे बनाए हैं, लाइन में ही बनाए हैं, इसलिए साथी में भी कोई दिक्कत ना हो और कोई देख भी ना सके, तो हम तो बच्चा के ही रखते हैं। अभी ये टाइम में भी जो अंडे दिखाई देते हैं, वरना तो जब गेहूँ निकलते होते हैं तब होते थे अंडे। अले हाँ, तो सुबह से इतनी धूप है ना, ये थक जाते हैं, और काम जो है वो ज़ोरों ज़ोरों से चालू है, बेल पे चल रहा है, ट्रैक्टर भी चल रहे हैं, तो दो तीन दिन तक थोड़ी है ना वो काम की जल्दी रहेगी, फिर तो कोई काम नहीं है साथी चल जाने के बाद, बारिश हो जाए फिर वापस बारिश के बाद। अभी पहुंच गए ये वाले खेत पे, लेकिन हमें आगे जाना है अभी, तो इसमें आज साथी चला दिया चाचा ने, बस यहाँ से आगे ही गए हैं, तो वहाँ पर ही जाएंगे चाय देने के लिए। ये सबसे पहले खेत की मूँगफली है, पीली पड़ गई है, लेकिन वो तो बारिश होगी ना तो ठीक हो जाएगी, देखो बाकी दिख कैसी रही है एकदम बढ़िया। तो आज तो हम निकले हैं शेर पर, शेर तो वैसे फार्मर की लाइफ में क्या होती है, लेकिन ट्रैक्टर चलाने के लिए जाना है, क्योंकि चाचा दो तीन दिनों से चला रहे, तो हम थोड़ी सी हेल्प करेंगे, दीपक अभी सीख रहा है तो वो भी चला लेगा। तो पहुंच गए खेत पर, यहाँ पे चल रहा है ट्रैक्टर, सामने जयेश भाई का घर, और इस खेत में भी अच्छी है वैसे मूँगफली, तो अभी हम चलाएंगे, एक खेत ये है एक वो वाला है छोटा सा, तो शाम तक मैं ख़त्म दोनों हो जाए तो करना है, करफेल घर के पास के जो है ना वहाँ पर काम पे लग जाए।
दोस्तों अभी शाम के बंदे हैं साथ और ये खेत जो है वो कंप्लीट हो गया है। ट्रैक्टर तो पीछे जैसे कि घर पर ही रख दिया है क्योंकि फिर कल वापस आना है। यहाँ पर पास में एक खेत जो छोटा सा है वो बाकी रह गया है, आज ख़त्म नहीं होगा। रात में तो चल सकता है लेकिन रात में क्या खोटा चलाना, कल कोई कुछ काम है नहीं, कल चला देंगे। बाकी अभी मूँगफली बहुत प्यारी दिख रही है धूप में, अभी एक खेत बाकी है, चलो वो भी दिखा देता हूँ। फिर अभी ये एक खेत बाकी है, ट्रैक्टर हमारा वहाँ पर है और मूँगफली इसमें सबसे अच्छी मूँगफली इसमें है। देखो क्या मूँगफली होगी, ये खेत में हर साल मूँगफली बहुत बढ़ती है। हमारा घर ठीक सामने है, यहाँ से अभी चलने में 10-15 मिनट लग जाएगी, बाइक है नहीं आज। ओपी का जो लोग है वो यहाँ पर एंड रखेंगे आज के ब्लॉग में, बस इतना ही। अभी शाम होने आए हैं, 7:30 बज गए हैं, तो जितना हो सका मैंने आपको आज के ब्लॉग में दिखाया। अबे थोड़ा सा काम है ना, कल तो ज़्यादा काम होगा, कल मुझे ये ट्रैक्टर चलाना होगा, मैं और दीपक, तो कल तो ब्लॉग का भी कुछ पता नहीं आएगा, लेकिन एक होगा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अभी काम है तो सबसे पहले जो हमारा मेन जो धंधा होता है वो करना होता है ना, खेती है, तो पहले वो, बाद में फिर दूसरा कोई। तो मिलेंगे फिर कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जवान जी किसान जी भरत, जय हिंद।